हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पित हियर विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं व्हाट इज़ स्किल्स, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रैक्टिसेस, मतलब जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है वो सारी आपकी स्किल्स होती हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन। तो अपना स्किल्स, मतलब जो आपकी स्किल्स है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके ऊपर बात करेंगे, कि जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है वो सारी प्रैक्टिस आप एक जगह पे कैसे शो करें, तो वो आपकी स्किल्स होती हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ पॉटर गेमिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, एज ऑलवेज वी आर इन ट्रेनिंग ग्राउंड एंड हम बात करेंगे कि अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीक करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अगर आप क्राउच करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके कितने वेरिएशंस हैं। इट मीन्स अगर आप पीक कर रहे हैं तो क्या सिर्फ जैसे आप पीक कर रहे हैं पीक वैसे ही होता है, या फिर पीक बहुत तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पीक किया, ठीक है, तो ये एक पीक, एक नॉर्मल पीक है, ठीक है, सभी लोग ऐसे पीक करते हैं। तो ये आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टिल, बट आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि आप पीक करें तो एक प्रॉपर पीक हो। मतलब अगर आप ज़्यादा राइट में जाके पीक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से मूव करते करते ऐसे पीक कर रहे हैं, तो आप पहले खुद को देखिए कि आपका पीक करने का कोई सेंस नहीं है, तो वो मत कीजिए। मतलब जब भी आप पीक कर रहे हैं आपको हमेशा ऐसी जगह ही पीक करना है जहाँ पे नेसेसरी हो और जहाँ से आप सही से पीक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठ के पीक कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरा पीक परफेक्ट हो रहा है। मतलब मैं अगर किसी पे शॉट ले रहा हूँ तो हर बार मेरे शॉट की एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। मतलब ये आपको क्लियर करना है कि मेरा शॉट 100% एक्यूरेट है या नहीं है। अगर आपका शॉट 100% एक्यूरेट नहीं है तो बिना मतलब की मूवमेंट्स को मत कीजिए और अपने जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दीजिए, ना कि आप हर बार पीक कर रहे हैं इधर उधर ताकि आप पीक की प्रैक्टिस कर सकें, आप हर बार एम लगा के इधर उधर शॉट ले रहे हैं ताकि आप एम की प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा टारगेट है, मैं लेफ़्ट और राइट करके इस पर पीक कर रहा हूँ, बट स्टिल आप देख रहे होंगे कि जो मेरे सामने जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस पर भी काफ़ी गोलियाँ लग रही है। तो गाइज वो चीज़ें गलत हैं, तो उससे आपकी स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगी, बट स्टिल हाँ आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। बट या गाइस, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी उसे स्किल्स बोला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पीक के वेरिएशंस बता रहा था। तो पीक के काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक जगह खड़े होकर पीक कर रहे हैं, या फिर आप लेफ्ट राइट होकर पीक कर रहे हैं, या फिर आप क्राउच एंड पीक कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ है, ये लेफ्ट राइट पीक हो गया, क्राउच एंड पीक मैंने आपको पहले बता दिया, और तो ये सारी चीज़ें पीक के वेरिएशंस में आती हैं। तो वैसे ही हम बात कर लेंगे यहाँ पे क्राउच एंड शूट की। तो क्राउच एंड शूट के भी काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं जो कि सारे आपको सीखने पड़ेंगे इनकेस अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हमको बेसिकली करना क्या है कि सारे वेरिएशंस को सीखना है और उसे एज अ कॉम्बिनेशन अपने क्लासिक गेम प्ले या फिर कस्टम गेम प्ले जो भी आप ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं उसमें दिखाना है, ठीक है। तो आप क्या करें कि जब भी आप कोई चीज़ सीखें, मतलब जब भी आपको लगे कि यार मेरी ये चीज़ बेकार है, मुझे मेरी ये चीज़ सही से नहीं हो पा रही है, तो एक घंटा ट्रेनिंग ग्राउंड में उस चीज़ की प्रैक्टिस करें और उसके बाद उसे क्लासिक में यूज़ करें। और ये मत सोचें कि आप मतलब मर जाएंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, बट स्टिल आपको यहाँ पे अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आपको अपने गेम प्ले से ध्यान हटाना पड़ेगा। आपको जो चीज़ इंप्रूव करनी है आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पे मैं आपको पीक एंड क्राउच की प्रैक्टिस करवाने नहीं आया हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये एक इनके वेरिएशंस होते हैं जो सारे आपको सीखने पड़ेंगे। ऐसे ही काफ़ी सारे अलग अलग मूवमेंट्स के काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं जो आप सीखेंगे और एज अ कॉम्बिनेशन अगर आप कहीं पर शो करेंगे तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। अब आप इस सामने वाले बंदे को देख सकते हैं उसकी मूवमेंट्स कि वो कितना फास्ट मूव कर रहे हैं यहाँ पर, एंड अगर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स करेंगे, ठीक है, तो आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी एंड सारे कॉम्बिनेशंस को आप यूज़ भी कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल क्राउच, क्राउच एंड पीक, यहाँ पे ओपन स्कोप, मतलब जितनी भी मूवमेंट्स है, जितनी भी मूवमेंट्स की बात करें वो सारी आप एज अ कॉम्बिनेशन यूज़ कर पाएंगे अगर आप एक फ्री ट्रेनिंग ग्राउंड में आके इधर उधर फायर करेंगे तो। बट मेक श्योर, मैं आपको दोबारा बता दूँ कि जब आप एम करें तो आपका एम 100% होना चाहिए, जब आप पीक करें तो पीक परफेक्ट जगह से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी गोलियाँ गलत लग रही है, गलत लग रही है तो स्टिल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसा कि मैं यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करता हूँ एंड मुझे अभी भी काफ़ी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे किस्मत से मेरे पास दो बंदे अवेलेबल हो गए थे जो यहाँ पे शो ऑफ कर रहे थे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मूवमेंट्स कितनी अच्छी है इस बंदे की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे लूट कर रहा है, और लूट करते करते भी ये अपना जो मूवमेंट वाला बटन है उसे छोड़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसकी मूवमेंट काफ़ी अच्छी है। और आप देखेंगे वो गन स्विच कर रहा है, जंप कर रहा है, प्रोन कर रहा है, क्राउच कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो वो जस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, उसका कॉन्सेंट्रेट प्रैक्टिस पे है। और एक ये बंदा है मेरे सामने जिसने गिली सूट पहन रखा है, ये जस्ट पीक करता है तो पीक ही करता रहता है, लूटता है तो खड़े होकर लूट रहा है। एंड ये यहाँ पे स्नाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, बट स्टिल ये मेरे ऊपर इतना क्लोज रेंज में स्नाइपिंग कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो यहाँ पर आप इस बंदे को देख सकते हो, इसकी मूवमेंट्स ये रुक नहीं रहा है। तो यही चीज़ आपको सीखनी है गाइज, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हो बार बार आप प्रोन वाला बट ये प्रोन हो रहा है एंड क्राउच कर रहा है, और बीच में जो ये बंदा है ये स्नाइपर लेके कूद रहा है हमारे ऊपर। तो गाइज़ इस तरह से अगर आप ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो, लोगों के पीछे बम फोड़ रहे हो या फिर स्मोक कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मतलब आप फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो पाएंगी। बट स्टिल जो यहाँ पे बंदा है वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, जिसने गिली सूट नहीं पहन रखा है, गिली वाले की बात नहीं कर रहे हम। तो वैसे ही हमें भी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है। जस्ट आप अपने जितनी भी कमियाँ हैं उसको नोट डाउन कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए ट्रेनिंग ग्राउंड में। एंड इनकी कुछ मैं ड्रिल्स बताऊँगा आपको, तो वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको ड्रिल्स बताता हूँ कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पीक करके, राइट में पीक करके शॉट्स ले रहा हूँ, फिर पीक आउट कर रहा हूँ, फिर पीक करके शॉट्स ले रहा हूँ। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे शॉट्स हैं कम से कम हेड पे नहीं तो वो बॉडी पे ज़रूर पड़े, ताकि मैं जो एनिमी है उसे डैमेज कर पाऊँ, एंड अगर मेरे साथ मेरा कोई फ्रेंड है तो वो इसे क्लियर कर पाए। सो दैट्स इट, आपको जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले राइट से लेफ्ट जाना है, फिर लेफ्ट से राइट आना है, फिर आपको लेफ्ट पीक करके प्रैक्टिस करनी है, और फिर सेम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होना है। तो यहाँ पर राइट पीक सबका डेफिनेटली सबका राइट पीक यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा, बट जब हम लेफ्ट पीक की बात करते हैं ना तो लेफ्ट पीक होता ही नहीं है। आप देख सकते हो मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ लेफ्ट पीक की, बट स्टिल मेरी काफ़ी सारी जो गोलियाँ हैं वो ऑब्जेक्ट पे लगती हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है जिसकी मदद से आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने जो बटन्स हैं उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा। मतलब कौन सा बटन कहाँ पे है, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस बटन को दबा सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे यार मैंने वो बटन दबाया पर वो दबा नहीं, ठीक है। तो पहले अपने बटन्स को इस तरह से सेट कीजिए कि आप दबा सकें, ताकि आप जल्दी जल्दी इम्प्रूव कर पाएँ। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे TDM में प्रैक्टिस करनी होगी बिना साउंड के। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि बिना साउंड के प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको साउंड नहीं आती, एंड आपको ऑलवेज़ इधर उधर देखना पड़ता है कि कहाँ से बंदा आ जाएगा, मुझे मार देगा एंड ऑल दैट। तो अगर आप TDM बिना साउंड के खेलोगे, एंड इनफैक्ट अगर आप द रुइंस वाला जो नया TDM है उसे बिना साउंड के खेलोगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको देखने में कि कहाँ से बंदा आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। क्योंकि ये TDM में आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी TPP लेने की, तो आप उस हिसाब से TPP लेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है TDM में, एवरेज डैमेज की गन उठानी है, यानी आपको M762 नहीं उठानी है। बिकॉज M762 की वजह से काफ़ी जल्दी आप किसी भी एनिमी को टेक डाउन कर देते हैं, और आपकी स्किल्स यानी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों हाथों में M4 उठा रखी है, बिकॉज M4 से मेरा एम का जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाती है, और मैं कम डैमेज देता हूँ तो काफ़ी टाइम मिलता है मुझे अपने मूवमेंट्स करने का। तीसरी चीज़ TDM में आपको ये करनी है कि अगर आप के पीक में प्रॉब्लम है, अगर आपके क्राउच एंड स्कोप में प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो आपको यहाँ पे बार बार यूज़ करना है, ठीक है। बट मेक श्योर कि अगर आप पीक की प्रैक्टिस कर रहे हो तो पीक सही जगह से हो, क्राउच एंड शूट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो सही जगह पे हो, ताकि आपके जो स्किल्स है उसमें प्रॉब्लम ना आए एंड आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। तो मैं मेरी यहाँ पे अगर पीक में प्रॉब्लम है तो मैं बार बार पीक करके शॉट लेने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे क्राउच में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्राउच एंड शॉट करने में प्रॉब्लम करूँगा। बट मैं स्टिल इस गेम में मूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉम्बिनेशन यूज़ कर पाऊँ, तो आप देख सकते हो। एंड जो लास्ट एंड फाइनल थिंग है वो है एक्सपीरियंस। तो गाइज़ अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है इस गेम का, तो डेली मतलब आपको अच्छे से मैचेस खेलने होंगे, एंड मेक श्योर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हर सीज़न में 50-60 मैचेस होते हैं, वो ज़्यादा खेलते नहीं हैं, उसके बाद कंप्लेंट्स करते हैं कि यार मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, ऑल दैट चीज़ें। तो आपको डेली मतलब डेली नहीं, हर सीज़न मतलब सीज़न ऑलमोस्ट 2 महीने का, 2.5 महीने का, 1.5 महीने का जो भी सीज़न है, उसमें आपको 100 से ज़्यादा मैचेस खेलने हैं ऑलवेज, तभी आपका एक्सपीरियंस बढ़ पाएगा। जब आप डेली क्लासिक्स खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे TPP लेनी है, कहाँ से शॉट्स लेने हैं, कहाँ पे कैसे मारना है, तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आएंगी, ना कि मैं आपको वो सारी चीज़ें एक वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँगा।
तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप ऑन दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट क्लिक ऑन रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो फॉर मोर ऑसम वीडियोज़। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, माई नेम इज़ अर्पित एंड आई एम साइनिंग आउट।